तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है, जिस सीरीज का नाम है हम घर पर ही पढ़ेंगे। और हम घर पर ही पढ़ेंगे 100 मार्क्स इंग्लिश का ये पार्ट 16 होगा। इससे पहले मैं 15 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपके बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए पार्ट नंबर 16 को शुरू करते हैं। और आज इस पार्ट में हम लोग द सोल्जर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को समझेंगे, जानेंगे। इससे पहले द सोल्जर का 2-3 वीडियो आ चुका है। एक में मैं रूपर्ट ब्रूक की बायोग्राफी को समझाया था, एक में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था, और एक में समरी को बताया था। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को जानेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द सोल्जर इज रिटन बाय, मतलब द सोल्जर जो लिखा गया है किनके द्वारा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जॉन डॉन, जॉन किट्स, रूपर्ट ब्रूक। तो आप सब जानते हैं रूपर्ट ब्रूक्स के द्वारा, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सोल्जर जैसे कब कंपोज किया गया, कब लिखा गया। तो 1914 ईस्वी में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, उसके 2-3 महीने बाद ही ये कविता लिखी गई थी। सितंबर अक्टूबर के महीने में द सोल्जर लिखी गई थी, तो ये इसलिए आपको टिक लगाना 1914 पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आइडियलिस्टिक पैट्रियटिज्म इज अ एसेंस ऑफ डैश, मतलब कि आइडियलिस्टिक पैट्रियटिज्म जो है वो कौन से चैप्टर का ये किस चैप्टर में जिसमें बताया गया, किस चैप्टर में इसका उल्लेख किया गया हुआ। मतलब कि एक कहते हैं ना आदर्शवादी देशभक्ति जो कहते हैं उसको आइडियलिस्टिक पैट्रियटिज्म कहते हैं। तो द सोल्जर में दिखाया गया एकदम द सोल्जर में देशभक्ति से परिपूर्ण ये कविता है, देशभक्ति के बारे में बताया गया हुआ, इसलिए आप लोग को जो है सो बी पे टिक लगाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द पोएट्स यूजेस इंग्लैंड इन द पोएम द सोल्जर, मतलब कि द सोल्जर जो चैप्टर है इसमें जो है पोएट जो है वो इंग्लैंड वर्ड का कितने बार इस्तेमाल किए हैं। तो बात याद रखिएगा 4 बार है कि नहीं, इंग्लैंड शब्द का यूज जो हुआ वो 4 बार। और अगर क्वेश्चन ये रहे कि हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूजेज इंग्लिश एंड इंग्लैंड, मतलब इंग्लिश और इंग्लैंड दोनों का यूज़ कितनी बार किया गया, तो 6 बार, मतलब कि 2 बार इंग्लिश का यूज़ हुआ है और 4 बार इंग्लैंड का यूज़ हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सोल्जर वाज रिटेन एंड पब्लिश्ड ड्यूरिंग व्हाट मेजर वार। अब ये द सोल्जर जो कौन से मुख्य वार के दौरान लिखी गई और प्रकाशित की गई। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में है ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट, अभी मैं कुछ देर पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ कि जब प्रथम विश्वयुद्ध चल रहा था उसी के दौरान ये कविता जो है सो लिखी गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड इटर्नल मीन्स, मतलब इटर्नल का मतलब क्या होता है। तो इटर्नल ये जो है ना सो आपको इस कविता में द सोल्जर में ये वर्ड यूज़ किया गया हुआ है, और इटर्नल का मतलब होता है फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्ड टू, अब ये जो रूपर्ट ब्रूक जो है वो कैमिस सेंचुरी के लेखक है, कौन से शताब्दी के लेखक है। तो आपको टिक लगाना है 20वीं सेंचुरी पे, इसलिए क्योंकि 1887 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1915 ईस्वी में हुई थी। तो जब ये 1915 में इसकी मृत्यु हुई, तो ये जो अपनी कविता जो लिखे ज़्यादातर कविता वो 1900 ईस्वी के बाद ही लिखे, और 1900 से 2000 को हम लोग जो जानते हैं वो 20वीं सेंचुरी से, तो इसलिए यहाँ पे ए पे आप लोग को टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए, मतलब कि जो ये द सोल्जर के जो स्पीकर हैं, वक्ता जो है वो क्या है। तो वक्ता आप जानते ही हैं, जो रूपर्ट ब्रूक है वो रूपर्ट ब्रूक का एक सोल्जर है, तो सही आंसर ए पे टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन इज अ सोनेट, एक ऐसी कविता जिसमें डैश लाइन होते हैं उसको सोनेट कहते हैं, मतलब कि जिसमें 14 लाइन होते हैं उसको सोनेट कहते हैं। मैं आपको इसके बारे में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था कि जिस भी कविता में 14 लाइन होती है उसको सोनेट कहते हैं, उसमें 2 स्टिंजा होता है, पहले स्टिंजा को ऑक्टिव कहते हैं जिसमें 8 लाइन होती है, दूसरे स्टिंजा को सस्टेट कहते हैं जिसमें 6 लाइन होती है। ये सब चीज़ें मैं आप लोग को बहुत डीपली बता दिया था। ये भी बताया था कि सोनेट का आविष्कार जो इटली में हुआ था, सोनेटो करके एक वर्ड है जिस वर्ड से सोनेट लिया गया हुआ है, जियाकोमो डालेंटिनी जिन्होंने ये सोनेट का आविष्कार खोज जो है सो किया था। मैं बहुत डीपली बता चुका हूँ, इसलिए अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे तो जाकर के उस कविता को देख लीजिए। द सोल्जर इज ए डैश पोएम, द सोल्जर कौन सा पोएम है। तो आप सब जानते हैं वार पोएम है, तो बी पे टिक लगाना है।
अगला क्वेश्चन है, द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू दी बोथ स्टिंजा, दोनों स्टिंजा से किसकी प्रशंसा और तारीफ जैसो की गई है। तो आप सब जानते हैं कि ये जो कविता में दो स्टिंजा है और दोनों स्टिंजा में जिसकी प्रशंसा और तारीफ की गई है वो इंग्लैंड है, तो सही आंसर बी पे लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द न्यूज ऑफ डैश सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक जो है वो कौन से सोल्जर के पक्ष में बोलते हैं, तो इंग्लिश सोल्जर में ही, तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज इनविटेबल, मतलब कौन चीज़ जो है वो निश्चित है। तो आप सब जानते हैं डेथ जो है वो निश्चित है, जो भी इस धरती पर जन्म लिया उसको एक ना एक दिन मरना ही है। अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर इज़ नॉट एफ्रेड ऑफ डैश, स्पीकर जो है वक्ता जो वो किस चीज़ से नहीं डर रहे हैं, तो वो डेथ से नहीं डरते हैं, मौत से नहीं डरते हैं। अगर मौत से वो डरते तो शायद ऐसी कविता ही नहीं लिखते और वो युद्ध में जाते ही नहीं लड़ने के लिए और अपनी जान कुर्बान नहीं कर देते हैं। तो ये मौत से नहीं डर रहे हैं। द डस्ट स्टैंड फॉर दी डैश, मतलब इस कविता में जो डस्ट वर्ड का यूज़ किया गया वो डस्ट वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया हुआ, तो सोल्जर के लिए, तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एट द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ, वे एक ऐसी जगह जहां पे सोल्जर को मरने के बाद दफनाया जाएगा वो जगह हमेशा हमेशा के लिए किसका कहलाएगा, तो वो जगह इंग्लैंड का कहलाएगा, तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन, रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ, तो 1887 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, रूपर्ट ब्रूक डाइड इन, रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु कब हुई, तो 1915 में। कहाँ हुई है ये मैं पहले बता चुका हूँ, एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है लेमनस में, जो आपको ये क्या कह रहे हैं, एक समुद्र है जिसका नाम है एजेंसी, उस एजेंसी के ऊपर पड़ता है और ये एजेंसी गैविपोली में पड़ता है, गैविपोली जो एस्कारस में और एस्कारस ग्रीस में पड़ता है। तो बहुत डीपली मैं इसके बारे में समझा चुका हूँ आप लोगों को। अगला, रूपर्ट ब्रूक वॉज डिस्क्राइब्ड द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड बाय होम, रूपर्ट ब्रूक को द हैंडसमेस्ट यंग मैन जो इसे डिस्क्राइब किया गया वह किन के द्वारा, तो आप सब जानते हैं डब्ल्यू बीस्ट के द्वारा। अगला, रूपर्ट ब्रूक डाइड बिकॉज ऑफ, रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हुई किस कारण, तो सेप्टिसीमिया या सेप्सिस है ना, सेप्टिसीमिया या सेप्सिस के कारण इनकी मृत्यु हुई है। अब सेप्टिसीमिया या सेप्सिस क्या कहते हैं मैं पहले वीडियो में आप लोग बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रूपर्ट ब्रूक वाज डैश पोएट, तो रूपर्ट ब्रूक एक वार पोएट है, तो सही आंसर ए पे टिक लगाना है। द सोल्जर इज ए सोनेट है, तो बी पे टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डज द पोएट कंसीडर हिमसेल्फ कनेक्टेड टू द हिज कंट्री, अब किस तरह से पोएट जो है अपने देश से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, फिजिकली मेंटली या बोथ फिजिकली या मेंटली। तो आप कविता पढ़े होंगे अभी ये देखे हैं, तो आपको ये पता चल रहा है कि कवि जो है वो दोनों तरह से अपने देश से ये कनेक्टेड है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ ब्रूक्स पोइट्री आर अबाउट, मतलब रूपर्ट ब्रूक की जो ज़्यादातर जो कविता है वो किसके बारे में, तो पैट्रियटिज्म के बारे में है, देशभक्ति के बारे में, तो इसलिए आपको सी पे टिक लगाना है। राइटर्स ऑफ सोनेट आर कॉल्ड, मतलब कि जो सोनेट लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, राइट सोनेट लिखने वाले को क्या कहते हैं, तो सोनेटियर्स कहते हैं, तो सही आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।